हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए चार टॉप के शेयर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया शेयर है, लेकिन अभी नहीं, मैं कहूंगा अभी नहीं। हर जगह से आपको कॉल आ रही होगी, भाई शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो, सेल है, डिस्काउंट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मानना है वो थोड़ा सा अलग है, लोगों से हटके है। हमारा जो सोचना है वो ये है कि थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन पैसा डूबना नहीं चाहिए, पैसा बचना चाहिए। और इसीलिए हम फरवरी एंड से कहते आ रहे हैं, बेच दो, सब बेच दो, सब बेच दो। और आज देख लिया, जिसने बेचा उसका पैसा बच गया, वो सस्ते में खरीद लेगा, जिसने होल्ड करके रखा उसका पैसा देख लीजिए कहाँ चला गया है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें पता लगती है टेक्निकल एनालिसिस से, क्योंकि वहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, चार्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो आपको काफी इंफॉर्मेशन दे देता है। वहां पे आप अपसाइड डाउन में रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो, डाउन से अपसाइड जाते हुए रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ऐसी ही टेक्निकल एनालिसिस के मैंने लिए मैंने एक वीडियो सीरीज अलग से स्टार्ट कर रखी है, बहुत सारे व्यूअर्स के डिमांड पे, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप और वहां से देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूं इन चार शेयर्स के ऊपर। यहां पे देखेंगे इन चार शेयर्स का लेवल, देखेंगे कहां तक ये गिर सकते हैं, क्या वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, उन सारी चीजों को देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। पहला स्टॉक इस लिस्ट का हमारे पास है HDFC, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक जो है वो मलाई स्टॉक्स में इनको कहता हूं, मलाई स्टॉक्स मतलब क्रीम है। ये क्रीम बहुत ऊपर चली गई थी, अब फिर से हाथ में आएगी छोटे इन्वेस्टर के भी। जरा देखिए यहाँ पे आज की डेट में 8% की गिरावट देखने को मिली। नो डाउट गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा नहीं कि यहीं पे गिरेगा और नीचे गिर सकता है। जरा देखें हालात, देखें हालात, देखने के बाद ही आप चीजें देखें। अब आपको ओके कौन से हालात की बात कर रहे हैं, ये देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट नीचे आ चुका है, नेस्डेक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट आज की डेट में नीचे आ चुका है, और ये सारी चीजें तो आपने देखी। साथ में आप क्रूड ऑयल को देखिए, क्रूड ऑयल कितना नीचे आ चुका है, क्रूड ऑयल आज 6% नीचे चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं दूसरी चीज, अब गिरावट के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि गिरावट बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ सकती है। ये देखिए, ये इंपैक्टेड लोग देखिए, डेथ्स देखिए, इससे आपको पता लगेगा भी कितनी बड़ी जो है वो ये कंसर्न है, कितनी बड़ी ये पेंडेमिक जिसको WHO ने कह दिया है। आप नंबर ऑफ डेथ देखिए, नंबर ऑफ इंपैक्टेड केसेस देखिए, पूरा यूरोप कवर हो चुका है। स्पेन में 3000 केसेस हो चुके हैं, स्पेन में बढ़ते हुए डेथ जो मैं देख पा रहा हूँ ये 84 हो चुका है, जो कि और डरावना, 29 न्यू डेथ आज स्पेन में देखने को मिली है। जर्मनी में एक और बढ़ गया है, 4 हो चुका है। फ्रांस में आप देखिए ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब हम खाली इटली को कह रहे थे, लेकिन अब इटली के अलावा स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब पीक पे जाते जा रहे हैं। देखिए नॉर्वे, इवन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नेदरलैंड, पूरा यूरोप कवर हो चुका है। तो ये डरने की बात है, और इसीलिए ये नेस्डेक और डाउ जोन जो है वो बिल्कुल धराशाही हो रहा है। जरा देखें किस तरीके से कितने नीचे, बिल्कुल मार्केट हॉल्ट हो गई थी, मान के चले। देखिए डाउ जोन कितने नीचे जा चुका है, मार्केट 15 मिनट के लिए अकड़ सी गई थी आज की डेट में। अब मैं HDFC की बात कर रहा था, HDFC के शेयर को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बढ़िया शेयर है क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे टाइम पर कोई क्वालिटी तो टिक नहीं रही है इस आधी तूफान में, तो खरीदे कहाँ पे। खरीदने के लिए जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट ही मुझे सारी पिक्चर क्लियर करता है। अगर मैं बड़ी गिरावट की बात करूं, जिस तरीके से 2 महीने से गिरावट चल रही है स्टॉक में, अब जरा इसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं। लेकिन अगर मैं 2008-2009 की गिरावट को देखता हूं, तो ये 650 के लेवल से ऑलमोस्ट 250 के लेवल पे आया था, बहुत ही बड़ी गिरावट में इसको कहूंगा, बहुत ही बड़ी गिरावट। लेकिन 650 से 250 के लेवल पे, 230 के लेवल पे आना बड़ी गिरावट थी। अगर उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे परसेंटेज वाइज चीजें देखें, तो मुझे लगता है अभी की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त। वहां पे जो खाली फाइनेंशियल क्राइसिस थी, कहाँ पे, कब, 2008-2009 में, लेकिन इस बार की क्राइसिस जो है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी क्राइसिस है ग्लोबल लेवल की। अगर जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन नहीं निकल के आती है, तो मुझे इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। इससे पहले मैंने ऐसे देखा नहीं था कि किसी 2 महीनों में इतनी बड़ी करेक्शन आई। देखिए लगातार 2 महीनों में ये फर्स्ट टाइम ऐसा दिख रहा है कि बैक टू बैक 2 महीनों में इतनी बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। और अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि 1700 के लेवल पर ये आएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन बिना सर पैर की कैंडल है, मतलब कि अभी और डाउनफॉल बाकी है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, जैसे कि सपोर्ट मुझे दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट की तो मैं बात करूंगा नहीं, बिल्कुल बॉटम की बात करूंगा, तो मुझे ये स्टॉक HDFC का 1400 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है, बिगिनर लेवल 1400-1500 के रेंज में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये रेंज टूटती है, तो फिर ये 1000 रुपये में भी आपको मिलेगा। अब आप कहोगे
एचडीएफसी का शेयर 1000 रुपये में मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि भाई आपको पैसा बचा के रखना चाहिए और ऐसे ही 15-20 बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स पे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस से, कुछ बैंक से, कुछ आईटी से, कुछ मेटल से, ऐसे अलग अलग जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे, मौका मिलेगा। अभी नहीं, अभी मौका नहीं आया, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, तब मौका आएगा आपके पास। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। कल हमने आपको 5 शेयर्स के बारे में बताया था, वहां पे हमारे पास एचडीएफसी बैंक था, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे प्रेफरेंस दी है। सेकंड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, नो डाउट, और बहुत जबरदस्त जंप दिखा रहा था। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बैंक की, तो एक बेहतरीन स्टॉक में माना जाता है आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन इतना बेहतरीन है तो भाई खरीदे कब, किस लेवल पे खरीदे, वो भी दे बता दीजिए। देखिए ये सारी चीजें बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ये आपको कुछ नहीं, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आपको इन लेवल्स को जब आप देखोगे, आप कहोगे यार बात तो सही कह रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल पीक पे था, ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट को अगर आप समझोगे, देखिए पीक से होता होता नीचे गिर रहा है, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेशन आपको करनी चाहिए। मतलब कि करंट लेवल से 200 ये 260 के लेवल पे, मतलब इस रेंज में अगर ये आए तो बढ़िया शेयर है। इतना नीचे आना मुश्किल है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि गिरावट बड़ी है। आप वीकली पे देख लीजिए, पिछले ये तीसरा बैक टू बैक वीक है जो गिरावट वाला लग रहा है, और 384 का ये सपोर्ट अगर तोड़ता है तो हमारे पास जो स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर मैं 200 वीक्स की बात करूं तो 330 के आसपास ये मुझे आता हुआ दिख रहा है, 330 के आसपास। और ऐसा मतलब ईजी है आना जिस तरीके से गिरावट चल रही है। और अगर 200 डेली चार्ट की बात करूं तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है। अभी स्टॉक में कमाई का एक ही जरिया है, अगर आप शॉर्टिंग करते हो, लेकिन उसमें भी थोड़ा बच के, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है इन्फोसिस लिमिटेड। टीसीएस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और मैंने टीसीएस के बारे में अलग से वीडियो भी बनाया था, और वहां पे मुझे कमेंट्स आए थे जब मैंने कहा था 1600-1500 बहुत आराम से आ जाएगा, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई टफ है आना, इतना बड़ा स्टॉक है, मार्केट हिल जाएगी। मार्केट हिल रही है तभी तो सब नीचे आ रहा है, ये तो देखिए। और आज की डेट में आप टीसीएस का प्राइस देख सकते हो, और यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड को देखिए आप, 631 के प्राइस पे आ चुका है, और बढ़िया शेयर है हमारे यहाँ पे, थर्ड शेयर है लिस्ट का जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फोसिस को। और इन्फोसिस के शेयर को आज की डेट में अगर मैं देखूं तो आपने देखा आज की डेट में किस तरीके से बड़ी गिरावट, यहाँ पे भी 8% की गिरावट देखने को मिली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्योंकि इनका एक फायदा, पॉजिटिव पॉइंट भी है, वर्क फ्रॉम होम, कॉन्फ्रेंसेज, ये फायदा भी है, लेकिन इनका जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसकी वजह से ये थोड़ा नुकसान में भी है। इनका पूरा का पूरा यूरोप सेगमेंट में इन्फोसिस का अच्छा खासा काम है, तो उसको नुकसान भी है, तो इसीलिए शॉर्टिंग, मतलब जो शॉर्ट करके पैसा कमाने हैं तो देखिए इसमें, क्योंकि यूरोप पूरा का पूरा कवर हो रहा है, पूरा का पूरा आइसोलेट हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ इन स्टॉक्स के लिए खतरे की घंटी है। अब मैं जरा देखूँ इन्फोसिस में, चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन्फी को। इन्फी को देखिए उन लेवल्स पे आ गया जब व्हिसल ब्लोअर की कंप्लेंट थी, वहां गिरा था और फिर से उसी लेवल पे आ गया। अब ये लेवल मुझे लगता नहीं कि सपोर्ट का काम करेगा, और मुझे जो लग रहा है वो आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मंथली चार्ट पर अगर मैं देखूं तो मुझे ये 434 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। अब आप कहोगे कैसे, क्लियर कट, ये 615 का सपोर्ट तो रुकने से रहा, तो 434 पर आता हुआ दिख रहा है। देखिए 434 इस बड़े शेयर के लिए अभी से 200 प्राइस 200 रुपये और नीचे, आपको यार बहुत ही नीचे की बात कर रहे हो। देखिए आप देखिए 200 वीक्स का अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, यहाँ पे ये वीक्स का है, तो आप खुद सोचिए कि क्या लेवल है ये। ये लेवल ज्यादा पुराना नहीं है, ये लेवल सितंबर का है, लेकिन अगर ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये लेवल भी टूटता है फिर और नीचे आएगा। देखिए 2008-2009 सबने देखा था, और कंडीशन जो है इस बार उससे भी बदतर होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको डरना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से, इसीलिए सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, लोग बेच के निकल रहे हैं, अभी खरीदारी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से किस तरीके से बड़ी गिरावट चल रही है। अगले स्टॉक की तरफ आते हैं जो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है, जिसको कहते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मोनोपोली वाला स्टॉक है, इस चीज़ को ध्यान दें, समझें, ये स्टॉक मोनोपोली वाला स्टॉक है। आज की डेट में 6% गिरावट देखने को मिली, पहली बार ऐसा लगा कि स्टॉक में थोड़ा गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ जंप ये स्टॉक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, मोनोपोली वाला शेयर है, तो आपको अलग से मैं कहूँगा ध्यान देके स्टॉक पर रखना है, रडार में इसको रखिए, और पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला जबरदस्त स्टॉक। आप देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम डेली चार्ट्स पे, और मुझे लगता है कि स्टॉक में ज्यादा गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट डेली पे हम 200 डे का यानी कि 1300-1400 के लेवल के आसपास की गिरावट जरूर एक्सपेक्ट करनी चाहिए।
इतनी गिरावट जरूर एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मैं यही कहूंगा आपसे, क्योंकि ये ज़्यादा गिरावट इसमें कभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी गिरावट तो हमको एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि 1000, 1200, 1300 इस रेंज में तो एटलीस्ट आए। तो चलिए, ये अपडेट थी, यहाँ पे हमने चार स्टॉक डिस्कस किए। मैं फिर से बात करूंगा HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपको कौन सा शेयर इसमें अच्छा लगा है, लेकिन अभी खरीदना ही है। जब भी अगर आप खरीदने के सोचो तो एक बार इधर जरूर देख लें, ये नंबर्स को जरूर देख लें, ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है। और अगर फिर भी अगर आप खरीदने की सोचो तो एक बार ये नैसडेक के नंबर, डाउ जोन्स के नंबर, इनको जरूर देख लें, ये पूरा का पूरा आपको समझा देंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अगर नहीं देखने को मिला फिर क्रूड ऑयल का प्राइस जरूर देख लें, ये भी सब नीचे गिर रहा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।